Hey makeup lovers, I'm Sonali. Welcome back to my channel. So friends, आज मैं आपके साथ share करने वाली हूँ ये inspired makeup look. ये Naira inspired makeup look है और ये बहुत ही अच्छा turn out होके आया guys. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. बहुत ही ज़्यादा simple, easy, festive look है. तो easily आप इसे create कर सकते हैं और आप भी achieve कर सकते हैं इस amazing से look को. जिसमें मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और साथ ही साथ ये सच में बहुत ज़्यादा ही इजी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने अपना स्किन केयर कर लिया तो अब मैं प्राइमर के लिए हुडा ब्यूटी प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. ये मैंने सरोजनी से परचेस किया था. इसका एक पम्प पूरे फेस के लिए इनफ है और ये ऑयल फ्री है और ये साथ ही साथ आपके पोर्स को फिल इन करता है और रेडनेस को भी कैंसिल आउट करता है. तो इसे अपने फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई करूँगी और जैसे ही ये सेट हो जाता है ये मैट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. तो इसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी एंड नेक पर भी. अब मैं अपना फेवरेट फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ विच इज़ फ्रॉम लॉरियल मैट मजीक. मेरा शेड है G1. ये शेड मेरे मुझे बहुत अच्छा सूट करता है गाइस और ये इतना अच्छा फाउंडेशन है. इसके बाद मुझे कॉम्पैक्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं महसूस होती है बिकॉज़ ये मैट है बिल्कुल. तो इसे मैं अमेजन का जो ब्रश मैंने परचेस किया था उससे मैं ब्लेंड कर रही हूँ. सीरियसली गाइस, मीन्स मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ और मुझे डर लगता है कि मैं बॉटल टाइप वाला फाउंडेशन नहीं ले जा सकती और मुझे अच्छी फिनिश चाहिए, तो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ. आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्राइटनिंग टाइप का इफेक्ट देता है बिल्कुल मैट फिनिश में. तो अपने फेस एंड नेक पे अप्लाई किया और कंसीलर की वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सेम फाउंडेशन को ही अपने कंसीलर की जगह पर अप्लाई किया हुआ है कि ब्लेंड बहुत ईजिली होता है. अगर आप फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड करेंगे तो भी हो जाएगा. इसका प्राइस है 600 रुपीज़. तो अब मैं जैसे बोली कॉम्पैक्ट की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने फेस को मैट कर रही हूँ बिकॉज Naira का जो लुक है वो काफ़ी मैट मुझे दिख रहा है. तो मैंने लैकमे का रेडियंस कॉम्पैक्ट इन द शेड 03 लिया और स्टिपलिंग ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ. जस्ट एक रन कर रही हूँ अपने ब्रश को. बहुत ज़्यादा डीप इंटेंस मैट नहीं चाहिए मुझे. अब मैं द न्यूड्स पैलेट में से ये ब्राउन एंड ब्लैक कलर को पिक कर रही हूँ एक पेंसिल ब्रश में विच इज़ अगेन फ्रॉम अमेजन और अपने ब्राउज को फिल इन कर रही हूँ. मैं शेप वेप नहीं दे रही हूँ, कोई फैंसी सा उतना नहीं कर रही हूँ, बस अपने जो गैप्स हैं उन्हें फिल इन कर रही हूँ जिससे मेरा जो आईब्राउज है वो बहुत ही अच्छा दिखे. और अब मैं सिवाना का जो अपना पैलेट है फॉर कंटूरिंग मैं यूज़ कर रही हूँ उसे. मैं क्रीम कंटूरिंग नहीं, पाउडर कंटूरिंग कर रही हूँ. मुझे वो ज़्यादा बेटर लगा बिकॉज Naira का मैंने लुक बताया ना काफ़ी मैट है. तो इस साइड नहीं कंटूरिंग, इस साइड कंटूरिंग है. आपको दिख ही रहा है कि क्या होता है इसका इफेक्ट. तो अब मैं नोज़ कंटूर कर रही हूँ. मोस्टली मैं इतना करती नहीं हूँ, लेकिन Naira का मैंने नोज़ देखा वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंटी एंड स्लीक उन्होंने कंटूरिंग किया, इसलिए मैंने भी किया. और अब सेम उसी पैलेट में जो हाइलाइटर है उसी को अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज उन्होंने बहुत शटल सा हाइलाइटर यूज़ किया. उनका पूरा फेस काफ़ी मैट सा दिख रहा है तो मैंने वही किया हुआ है नोज़ पे, हाइएस्ट पॉइंट ऑफ माई चीक बोन्स, आईब्रो बोन्स और रेगुलर एरियाज पे. अब मैं स्टील पैलेट का ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से ये मैट ऑरेंज कलर एज अ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ इन माई चीक्स. तो ये मैट है और इस लुक को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. पिंक के साथ ऑरेंज कलर काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करता है तो ये लुक को काफ़ी कंप्लीट कर रहा है मेरे. तो इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ, साथ ही साथ ब्लेंड. और इसके बाद अब मैं ये द न्यूड्स SFR का द न्यूड्स पैलेट में से बर्न्ट ऑरेंज कलर लूँगी. आई थिंक मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया है बिकॉज ये SFR के जितने भी आई शेडो होते हैं वो काफ़ी चौकी होते हैं और उनसे वर्क करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ. बट मैंने ये बर्न्ट ऑरेंज कलर अपने क्रीज लाइन पर अप्लाई किया है और उसे स्लोली स्लोली बिल्ड किया और ब्लेंड किया है. इसके बाद हमें शिमरी कलर अपने लिट्स पे लगाना है. ये नॉ आप कोई भी पिंक कलर और गोल्डन कलर यूज़ कर सकते हैं. पहले पिंक कलर को मैं ब्रश की हेल्प से अपने दोनों लिट्स पर अप्लाई करूँगी, देन गोल्डन कलर को अपने फिंगर की हेल्प से बिकॉज मुझे गोल्डन का ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए था, पिंक का उतना नहीं. दोनों आइज को कम्प्लीट करने के बाद मैं स्टेक वर्की का ब्लैक आईलाइनर अप्लाई करूँ जिससे मैं बहुत इंप्रेस हुई हूँ गाइस. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आईलाइनर है, बिल्कुल मैट है और Naira ने बिल्कुल सिंपल सा जो है वो आईलाइनर अप्लाई किया हुआ है. कोई काजल अप्लाई नहीं करना इसमें आपको, ओनली अपना ऊपर में आईलाइनर अप्लाई करना है बिल्कुल सिंपल तरीके से. वो तो बिगनर्स भी आराम से कर सकते हैं, इसमें कुछ फैंसी नहीं है बताने को. और थोड़ा प्रोफेशनल टच, यू नो,
और अब हम थोड़ा सा, जैसे कि मैंने बताया हाइलाइटिंग इतना नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा हाईलाइट किया मैंने और अपने लैशेस को कंप्लीट कर लिया। अब मैं MN का लिप लाइनर इन दिस शेड 74 अप्लाई कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा ऑरेंजिश कलर है, इससे लिप को लाइन कर रही हूँ और साथ ही साथ फिल इन भी कर रही हूँ। और अब मैं गॉसिप मैट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ इन दिस शेड 07। ये काफ़ी पेपी ऑरेंज है, तो जैसे मैंने बोला कि पिंक के साथ ऑरेंज कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और ये है फाइनल लुक गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।